जनपद में पिछले 6 दिनों से शुगर मिल में आ रही तकनीकी खराबी के चलते जाम लोगों के लिए जी का जंजाल बना है, जिसे लेकर जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में शुगर मिल अधिकारियों, NHAI के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की बैठक ली गई, जिसमें शुगर मिल में आने वाले वाहनों की वजह से शहर में लगने वाले जाम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और शुगर मिल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उक्त मामले में लापरवाही बरते जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसके अलावा सड़कों के गड्ढों को कर NH के अधिकारियों से वार्ता हुई और उन्हें भी आवश्यक निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि शहर स्थित शुगर मिल में पिछले करीब 6 दिनों से तकनीकी खराबी के चलते शहर के लोगों के लिए जाम जी का जंजाल बनता जा रहा है, जिससे किसान, आमजन और व्यापारी पूरी तरह त्रस्त हो चुके हैं, जिसे लेकर व्यापारियों द्वारा गत दिवस हंगामा प्रदर्शन किया गया था। जाम की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ साथ NHAI और शुगर मिल के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि शामली सिटी में जो जाम की समस्या चली आ रही है और कुछ हाईवे के मुद्दों को लेकर मीटिंग रखी गई है, जिसमें पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों, शुगर मिल अधिकारियों और NHAI के अधिकारियों को बुलाया गया है, जिसमें जाम और हाईवे के गड्ढों को लेकर बातचीत की गई। इसमें पिछले हफ्ते बनी जाम की समस्या की पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर शुगर मिल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने यार्डों की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे शुगर मिल में आने वाले गन्ने के वाहन बाजारों में खड़े ना होकर शुगर मिल में खड़े हों। इसके अलावा शुगर मिल अधिकारियों को मिल में आ रही बार बार तकनीकी खराबी को लेकर समाधान कराए जाने हेतु निर्देशित किया है। इसके अलावा अगर मिल में कोई खराबी आती है तो किसानों तक सूचना पहुंचाए जाने की व्यवस्था बनाए जाने के सुझाव दिए गए। वहीं शहर की जाम को गंभीरता से लेते हुए ट्रैफिक के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई, जिसे लेकर SDM, CO सभी हाईवे पॉइंट्स पर जाकर निरीक्षण भी करेंगे और जल्द ही शहर के लोगों को एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसके अलावा NHAI के अधिकारियों को लेकर हाईवे पर बने गड्ढों को भरे जाने की हिदायत दी गई है। आज मीटिंग भी की गई है, क्या जाम के लिए भी क्या प्रॉब्लम है? शामली सिटी में जो जाम की समस्या आ रही है उससे संबंधित और कुछ हाईवे के मुद्दे थे जहां पर गड्ढे हैं, उनका काम जो है उसमें ज़्यादा गति आए, उससे संबंधित मीटिंग आज कलेक्ट्रेट में की गई है। मैं, SSP साहब, हमारे ADM, एडिशनल SP, SDM, COs, हमारे NH के सभी अधिकारी, शामली मिल के अधिकारी, सभी लोगों को बुलाया गया इस मीटिंग में और इन इश्यूज़ पे डिस्कस किया गया है। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो जाम की सिचुएशन पिछले हफ्ते में बनी थी इस सिटी में, वो दोबारा सिचुएशन ना बने। उसके लिए चीनी मिल को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने यार्ड की व्यवस्था करें, यार्ड थोड़ा एक्सटेंड करें, ताकि जो ट्रॉलियाँ सड़क जाम करती हैं उनके यार्ड में पहले ही अंदर हो जाएँ और बाज़ारों में खड़ी ना रहें। इसके अलावा जो ब्रेकडाउन शामली मिल में हो रहा है उसका कुछ टेक्निकल सोल्यूशन वो देखें कि बार बार ब्रेकडाउन ना हो, और यदि ब्रेकडाउन जैसी स्थिति होती है तो उसका सूचना जो है टाइमली किसानों तक पहुंच जाए। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रधानों को सूचना देना, अनाउंसमेंट करना, कुछ सोल्यूशन हम लोगों ने उनको बताए हैं, उस पर ये व्यवस्था जो है ये करेंगे। इसके अलावा जो हमारी ऑल्टरनेट रूट्स बन सकते हैं, कहीं हमारे बाईपास हैं, अगर वो खुल जाएं जिससे ट्रैफिक हमारा स्मूथली फ्लो करे, बड़े वाहन जो है बाहर से ही निकल जाएं और सिर्फ लाइटर व्हीकल्स एंटर करें, उस व्यवस्था के बारे में भी डिस्कस किया गया है। और आज SDM, COs और ट्रैफिक जो है सभी जगह NH के पॉइंट्स पे निरीक्षण भी करेंगे और एक अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। मैम, कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं? शामली चीनी मिल का पहले तो ये निर्देशित किया गया है कि वो अच्छी व्यवस्था बनाएंगे, अदरवाइज उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा NH के जो अधिकारी आए थे यहाँ पर, कुछ पत्रकारों के माध्यम से भी और जो हमें वैसे भी इनपुट मिलता है कि जहाँ सड़कों पे गड्ढे हैं उसके संबंध में मेरठ, करनाल और पानीपत कटीमा जो हमारे हाईवेज हैं उनके अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आज ही समस्या का समाधान कराएंगे जहाँ गड्ढे हैं, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।